अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज एवं राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री वीके सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, तिरसर बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ।1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए, 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो उनकी 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है, खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा, मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा
और साथ साथ एक एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहां की वे मूल निवासी थे वहां शरण नहीं मिल गई, नहीं मिल पाई, वहां प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, आजादी के बाद भी उन्हें उस दंश को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहां के वे निवासी थे, लेकिन भारत ने दो दो हाथ उनके सामने फैला करके उन्हें अपने गोद में लेकर के उन्हें न केवल शरण दी बल्कि उनके व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। यह भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण सबके सामने है। कैसे एक एक मानवता की रक्षा करनी है और वह कार्य कैसे भारत के अंदर आगे बढ़ रहा है। आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए है लेकिन इससे आच्छादित होने वाले लगभग 400 की आबादी है जो इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ भाइयों बहनों, जब 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया था, उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनौतियां थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें आजादी के बाद सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था, उसमें मुसहर जाति की स्थिति ऐसी थी, बनटांगिया गांवों में यही स्थिति थी, कोल, भील, सहरिया, थारू, इन सभी जातियों की स्थिति यही थी। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति किस मजबूती से कार्य की आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया, उनको चिन्हित किया और फिर उन्हें आवासीय पट्टा उपलब्ध करवाने, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकती थी वहां मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 108,000 की संख्या में केवल मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्ध करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है, जिसमें आज 63 परिवार ये बांग्लादेशी हिंदू हैं जिन्हें 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे, भारत के अंदर आए थे, शरण लिए थे, इन्हें हस्तिनापुर के एक सूत मिल में काम दिया गया था, लेकिन 84 में मिल बंद होने के बाद ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सरकार के पास सदैव जाते थे लेकिन संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं जो गरीबों की बात करते थे आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, क्यों नहीं मुसहर जाति के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाया, बनटांगिया गांव के लोग अनाथ क्यों बन गए थे, थारू है, कोल है, अन्य जो जातियां थी इनके बारे में वे संवेदनहीन क्यों बनी रही। लेकिन सरकार जब 2017 में आई, मेरे सभी सहयोगियों ने मिलकर के जो अभियान प्रारंभ किया, आज हम बनटांगिया के 38 गांवों को राजस्व गांव में बदल करके पहली बार विधानसभा चुनाव में आजादी के बाद के किसी चुनाव में उन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था, आज हरेक के पास पक्के मकान है। और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें, व्यवस्थित रूप से एक
आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके, हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए। क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है, उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो, और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हाथों को भी और पुरुषों को भी काम मिल सके, वे अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। एक बड़ी उपलब्धि होगी कि 70 यानी 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्षों तक जिन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका, उन्हें अब सरकार व्यवस्थित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था को आगे बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जा रही है। महिलाओं का स्वयंसेवी समूह बने, पुरुषों के लिए वहां पर पशुपालन का कार्य हो, इनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ हो सकते हैं, इनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम हो सकते हैं, कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। ढेर सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे एक आदर्श गांव के रूप में, स्मार्ट विलेज के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जब ये नए सिरे से कार्य आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम इन सभी परिवारों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोगों ने यह कार्य यहां पर प्रारंभ किया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जो 42,194 मुसहर परिवारों को एक एक यानी आवासीय पट्टा और आवास उपलब्ध करवाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, बनटांगिया गांव के 4,822 कुष्ठ रोगियों को 3,686 दैवीय आपदा से, बाढ़ है, अग्निकांड से जो लोग चपेटे में आ जाते हैं, उनकी झोपड़ी जल जाती थी, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता था, ऐसे 36,307 परिवारों को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। कालाजार से जो परिवार प्रभावित होते थे, उन परिवारों में अकाल मौत होती थी, 224 ऐसे परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाया गया। इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 601 परिवारों को भी इस सुविधा उपलब्ध करवाई गई। थारू जनजाति से जुड़े हुए 1,526 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई। कोल जाति के 13,102 परिवारों को यह सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। सहरिया जो बुंदेलखंड में ललितपुर और झांसी आदि क्षेत्रों में निवास करती है, एकदम खानाबदोश जैसी जीवन यापन करने वाली उन जातियों के लिए भी 5,611 परिवार हम लोगों ने उपलब्ध कर को एक एक आवासीय सुविधा उपलब्ध भी उपलब्ध करवाया है। और चेरो जनजाति से जुड़े हुए 559 परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का लाभ हम जो आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत हम वहां पे एक आदर्श गांव के रूप में इन्हें वहां पर स्थापित करने, वहां बागवानी के लिए, वहां पर सब्जी की खेती के लिए, वहां पर अन्य यानी दुग्ध उत्पादन के लिए या बकरी पालन में या कुक्कुट पालन में किसी भी अन्य कार्य के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी और आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने में इन लोगों को न केवल ये लोग सफल होंगे, उसे आगे बढ़ाने में इन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि 38 वर्षों के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद इन्हें आज आवासीय पट्टा सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए मैं एक बार फिर से राजस्व विभाग को हृदय से बधाई देता धन्यवाद देता हूं और इन सभी 63 परिवारों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब कहां बांग्लादेश से आते 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 हस्तिनापुर में गए, हस्तिनापुर से आते आते अब कानपुर देहात में आप लोग
आगे अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका परिवार वहां पे फले फूले, इस भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।